की मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, मेरे मित्र और DGICMR सह सचिव डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च डॉक्टर बलराम भार्गव जी, NIB के निदेशक डॉक्टर अनूप अंगीकर, अन्य ICMR की संस्थाओं के निदेशक गण और सभी विशिष्ट अतिथि, ये सचमुच एक ऐसा अवसर है जिसमें संतुष्टि भी होती है, गर्व भी होता है और खुशी भी होती है कि एक संस्थान अपने जीवन के 30 वर्ष पूरे करे और उन 30 वर्षों में उसकी अनेकों उपलब्धियां हों और ऐसे मौके पर उस संस्थान से जुड़े हुए लोग जो पूर्व में जुड़े हुए थे और जो वर्तमान में जुड़े हुए हैं वो एकत्रित हों और माननीय मंत्री महोदया भी उनको संबोधित करें, तो ये अपने आप में एक अविस्मरणीय आई थिंक आई गॉट इट राइट इस अवसर पर कंग्रेचुलेट करता हूँ। ये भी महत्वपूर्ण है कि जब NIB की संकल्पना की गई थी, when the institute was visualized, it was thought that biologicals would play a major role in country's health sector, and therefore it was necessary that institutions that could do quality testing and certify these products need to be created. इस प्रकार की संस्थाएं न केवल क्वालिटी सर्टिफिकेशन करती हैं बल्कि जो देश का ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसको भी मदद करती हैं, राज्य सरकारों को मदद करती हैं क्योंकि राज्य सरकारों को इस प्रकार की चीज़ों को प्रोक्योर करना होता है, वो क्वालिटी सर्टिफिकेशन चाहते हैं और वो इनके द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसा बताया गया फिल्म में भी और डॉक्टर अंगीकर ने भी बताया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप WHO के कोलैबोरेटिंग सेंटर भी रहे हैं, आप CDL भी हैं, सेंट्रल ड्रग लैब भी हैं जो अपने आप में कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन होता है, तो ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आप सब लोगों ने मिलके काम किया। और मैंने इसको लंबे अरसे से देखा है, जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस मंत्रालय में सचिव बनूंगा और मैं इसमें एक निदेशक के रूप में आया था वर्ष 2000 में और 2006 तक इस मंत्रालय में रहा, तो मुझे NIB को देखने की जवाबदारी सौंपी गई थी और उस वक्त NIB के लैब्स बन रहे थे, ये सारी बिल्डिंग्स बन रही थी और NIH के लोग आते थे, डिज़ाइन में मीटिंग्स होती थी, हाउ टू इंश्योर दैट सेफ्टी एंड यू नो अदर पैरामीटर्स आर अडेयर्ड टू। So at that point in time, I didn't know that this institution would make such a significant contribution and a name for itself. ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि there has been a line of illustrious directors who were supported by outstanding people. So teams have been outstanding and directors have been outstanding and therefore the institution has come where it is today. एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 2 वर्षों में जब हम कोविड की महामारी से पूरे देश में जूझ रहे थे, आज भी महामारी है लेकिन अब उस प्रकार की क्रिटिकल चुनौती नहीं है जैसी पिछले 2 वर्षों में थी, उस समय इस इंस्टीट्यूशन ने फ्रॉम स्क्रैच यू डेवलप द कैपेसिटीज टू टेस्ट कोविड वैक्सीन्स और पहली बार जो भारत सरकार ने एक चैलेंज रखा था कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सब मिलकर ये जो CDL की व्यवस्था है उसको विस्तारित कर पाएंगे, क्या हम मल्टीपल CDLs क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो वैक्सीन हैदराबाद में या पुणे में बन रही है वो सब की सब कसौली ना भेजी जाए, अन्य जगहों पर भी भेजी जाए और लोग उसको सर्टिफाई करें, तो आप आगे आए, अन्य संस्थान भी आए लेकिन आपने बेहतर काम किया और CDL के रूप में आप स्थापित हुए। ये भविष्य में देश की जो रेगुलेटरी व्यवस्था है उसको बल देगा। उसी प्रकार जो NIV का कार्य हीमो विजिलेंस में रहा है, NIV का कार्य जो
ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन के समय होने वाले विकार पॉसिबल पोटेंशियल प्रॉब्लम्स उनसे रहा है, वो भी काबिले तारीफ है। आपने ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो आपकी यशस्वी परंपरा है इसको आप आगे ले जाएंगे और मंत्रालय का सहयोग आपके साथ रहेगा। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो आपकी टीम है उसकी एवरेज एज संभवतः दिनों दिन घटती जा रही है। जब मैं डायरेक्टर था तब रिलेटिवली एवरेज एज ज्यादा थी, यहाँ अब कम हुई है। तो वो ये दिखाता है कि जहाँ आपको एक नई सोच और नई विचारधारा मिलेगी अपने संस्थान में, लेकिन उसका फिर एक फ्लिप साइड भी है कि हो सकता है एट्रिशन भी ज्यादा हो। अब जब आपका अनुभव ये लोग ले लेंगे जो यंग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, संभवतः वो और बेहतर चुनौतियों की तरफ जाना चाहेंगे। वो भी आपको इनकरेज करना चाहिए, उससे संस्थान का नुकसान नहीं है क्योंकि वो लोग देश के भीतर ही इस सेक्टर को बढ़ावा देंगे, रिसर्च को बढ़ावा देंगे और जो कटिंग एज लेवल पर काम हो रहा है उसको बढ़ावा देंगे। मैं पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। धन्यवाद।